इज मीरू बाप का वर्ल्ड. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ. तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी. तो आज मैं बनाऊंगी बारबेक्यू प्लेटर. जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके बारबेक्यू प्लेटर को एंजॉय करते हैं, सेम दैट वे मैं घर पे बनाऊंगी आज बारबेक्यू प्लेटर. हाँ, उसमें सीख कबाब नहीं होंगे. मैं बनाऊंगी चिकन टिक्का बोटी, बनाऊंगी मलाई बोटी, बनाऊंगी उसके साथ मैं हरियाली बोटी बनाऊंगी. तो ये तीन तरह से हम लोग बारबेक्यू जो है आज बनाएंगे. बहुत इजी तरीके से आप लोग घर में बना सकते हैं. सो रेसिपी को आप लोग फॉलो कीजिएगा. मैरिनेशन का प्रोसेस बताऊंगी और मैरिनेशन आपने कितनी देर पहले करनी है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे जो घर पे ही अवेलेबल हो. तो उससे हम लोग आज बहुत मजेदार सा बारबेक्यू प्लेटर प्रिपेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस रेसिपी. तो सबसे पहले मैरिनेशन मैं करने लगी हूँ मलाई बोटी की. तो मैंने जो चिकन लिया है वो थाई का चिकन लिया है बोनलेस. तो उसको आपने ले लेना है 300 ग्राम्स. उसमें ऐड करना है दही. दही आप ऐड करेंगे 1/4 कप. द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज फ्रेश क्रीम. आप टेट्रापैक क्रीम ले लें या फ्रेश क्रीम ले लें, वो मैंने लिया 100 ग्राम्स. अब वो ऐड करेंगे. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड जिंजर. इट्स ऑल अप टू यू. आप लोग अदरक लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी लोग करते हैं इस्तेमाल. बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप घर का फ्रेश अदरक लहसुन को चॉप करके ऐड करें, उससे फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा. नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज चॉप करके. चलिए जी अब स्पाइसेस ऐड करते हैं. सबसे पहले जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून, क्योंकि हम लोग रेड चिलीज तो इस्तेमाल नहीं करेंगे इस पे, तो ब्लैक पेपर से ही स्पाइसी बनाएंगे. साथ में ऐड कर रही हूँ मैं जीरा पाउडर. तो 300 ग्राम्स में आप 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे. इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी और साथ में ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी 1 टीस्पून. अब इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. तो मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छी तरह से हो गई है. अब प्लास्टिक रैप से बाउल को कवर करेंगे. तो मलाई बोटी को परफेक्टली मैरिनेट करने के लिए मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखूंगी. एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल, क्योंकि आपने जब भी बनानी है मलाई बोटी आपने उसको एक दिन पहले ही मैरिनेट करके फ्रिज में रखनी है. इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जो चिकन के फ्लेवर्स हैं वो चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो ओवरनाइट हम इसको मैरिनेट करेंगे. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आर नेक्स्ट मैरिनेशन रेसिपी. अभी मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन टिक्का. तो चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन 300 ग्राम्स और मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा दही 1/4 कप. साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन एंड 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर यानी अदरक लहसुन का पेस्ट. आप लोग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं एज मेंशन बिफोर. तो अब ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस. सबसे पहले सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून. तो चिकन टिक्का बोटी में थोड़े से स्पाइसेस और ऐड कर रही हूँ मैं, जिसमें जीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1 टीस्पून ईच ऐड करेंगे. साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे. इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून. अभी मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है. पेपरिका पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून. साथ में ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून और कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून. इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि जो सारे मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं. तो अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है. अब इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देती हूँ और मैरिनेट होने के लिए रखूंगी ओवरनाइट. रीजन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब भी आपने बारबेक्यू करना है चिकन को मैरिनेट आपने एक दिन पहले करना है या 6 से 7 घंटे पहले करना है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आर थर्ड मैरिनेशन. अब भी मैं मैरिनेट करूंगी चिकन हरियाली बोटी. उसके लिए मैंने थाई का बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स. दही ऐड कर रही हूँ 1/4 कप. तो अब साथ में ऐड कर रही हूँ क्रीम 100 ग्राम्स. आप लोग फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ली है टेट्रा पैक. साथ में जाएगा 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हरियाली बोटी है तो हरियाली ऐड करते हैं, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिंट एंड कोरिएंडर यानी पुदीना और धनिया चॉप्ड करके. थोड़ा सा फ्लेवर को डिफरेंट करते हैं नींबू का जूस ऐड करके. तो लेमन ऐड करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. साथ में अब स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून, साथ में धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून भर के, क्योंकि स्पाइसेस इससे ही होंगे. इसके बाद ऐड करेंगे कसूरी मेथी क्रश करके और साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, इट्स अप टू यू. और थोड़ा सा फ्लेवर को मजीद तीखा करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज चॉप करके. और अब सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं. हरियाली बोटी में कलर जो है ग्रीनिश होना चाहिए, तो मैं ऐड कर रही हूँ अ पिंच ऑफ ग्रीन फूड कलर. बहुत ही कम ऐड करना है, ज्यादा नहीं ऐड करना और कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा. तो इसको भी प्रॉपर मिक्सिंग के बाद अच्छी तरह से रैप करेंगे प्लास्टिक शीट से, सो दैट ये मैरिनेट हो जाए ओवरनाइट. और नेक्स्ट डे मैं इसको कुक करूंगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी.
करूंगी। The next day. So guys, हो गया है next day. कल मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था और ओवरनाइट ये फ्रिज में ही पड़ा रहा। So अभी आप चेक करें, सारे स्पाइसेस चिकन में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो गए हैं। अब मैं एक चॉपस्टिक लूंगी और सारे चिकन के पीसेस को चॉपस्टिक पे अरेंज करूंगी। इस तरह से मैंने एक चॉपस्टिक में चार चिकन के पीसेस जो है अरेंज किए हैं। आप लोग भी उस हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग फ्राइंग पैन में बना रहे हैं तो हमें सीखों की जरूरत नहीं होगी। फ्राइंग पैन में आप चॉपस्टिक्स की मदद से भी बना सकते हैं। और इसी तरह रिमेनिंग चिकन को भी मैं चॉपस्टिक्स पे ऐड करूंगी। और अभी मैंने निकाली है फ्रिज से मलाई बोटी। सेम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप चेक करें चिकन में अच्छी तरह से सारे जो इसमें क्रीम है, दही है, सारा स्पाइसी अब्सॉर्ब हो गए हैं। अब इनको भी चॉपस्टिक्स में लगाते हैं। इसी तरह हम लोग जो है चॉपस्टिक पे ऐड करते जाएंगे। मलाई बोटी को भी ऐड कर दिया, बाकी भी इस तरह बना लेंगे। और अब बारी है हरियाली बोटी की। तो पहले आप स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग करिएगा और बाद में चॉपस्टिक्स पे ऐड करेंगे। इसी तरह मैंने हरियाली बोटी को भी चॉपस्टिक्स पे अरेंज कर दिया है। अब मैंने लिया है एक बड़ा सा पैन, उस पे रखा है फॉइल पेपर और तीनों तरह के जो बारबेक्यू स्टिक्स हैं मैंने रख दिए हैं। अब इसको स्लो फ्लेम पे आपने पकाना है। आप चाहे तो कवर करके भी पका सकते हैं। अगर फॉइल पेपर आप नहीं ऐड करना चाहते आप लोग मत करिए, इट्स ऑल अप टू यू। फॉइल पेपर से होता है कि आपका ना जो बारबेक्यू स्टिक्स हैं वो चिपकती नहीं है। सो इस तरह मैंने सारी बारबेक्यू स्टिक्स को प्रिपेयर कर लिया है, कवर करके पका लिया है। आप साइड्स उसकी चेंज करते जाइएगा। एंड हियर वी गो, अराउंड 30 मिनट्स लगे हैं बारबेक्यू स्टिक्स को प्रिपेयर होने में। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, कवर करके पकाएगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से पक जाएंगी। तो अभी बारी है हम इनको कोयले का धुआं देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा बारबेक्यू जो है वो फुली प्रिपेयर हो गया है। ऑन द अदर साइड मैं बनाने लगी हूँ मसाला राइस, क्योंकि बारबेक्यू प्लेटर में जो सबसे पहले लेयर हम लगाएंगे वो लगाएंगे मसाला राइस की। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, उसमें मैंने ऐड किया है 1 मीडियम साइज स्लाइस्ड अनियन। प्याज को आपने सौते करना है, लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर लेकर आना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें जाएंगी 2 ग्रीन चिलीज। आप लोग चाहें तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट इस तरह भी अच्छी लगती है। तो अब ऐड कर रही हूँ मैं स्पाइसेस, जिसमें है नमक 1 टीस्पून, साथ में ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर सेम क्वांटिटी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1 पिंच या फिर 1/4 टीस्पून। तो मसाला राइस में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चिकन क्यूब, इससे फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है, आप लोग भी ऐड करिएगा। साथ में जाएगा 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका भी। तो लो फ्लेम पे सब स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, सो दैट हमारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जब हमारे स्पाइसेस की भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी, सारे स्पाइसेस पक जाएंगे, फिर ऐड करेंगे हम लोग चावल। चावलों को मैंने पहले ही सोक किया हुआ है। तो मैंने लिए हैं 1 kg राइस, उनको मैंने पहले ही पानी में सोक कर लिया था। तो आपने 1-2 घंटा पहले सोक कर लेना है, फिर आपने चावल बनाने हैं। तो 1-2 दफ़ा आप चमचा अच्छी तरह से हिलाएंगे, बट बहुत ही हल्के हाथ से। तो 1 kg राइस में मैं ऐड कर रही हूँ 3 कप्स ऑफ वाटर। तो पानी और चावल की क्वांटिटी आपने बहुत अच्छे से मेजर करनी है। और फ्लेम आपने मीडियम रखना है और कवर कर देना है। और जब सेमी कुक हो जाएंगे तब आप डालेंगे फूड कलर, मैंने लिया है येलो फूड कलर। इस तरह से आप 1 पिंच येलो फूड कलर ऐड कीजिएगा, फिर कवर कर दें और अब आपने लो फ्लेम पे पकाना है। सो गाइस, एट दिस स्टेज हमारे चावल फुली प्रिपेयर हो गए हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं जी चावलों को मिक्स। आप चेक करें बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, कलर इतना ज़बरदस्त आ रहा है। आप लोग इसको घर पर जरूर ट्राई करिएगा, बारबेक्यू प्लेटर में नहीं तो आप लोग सेपरेटली भी चावल बना के इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यमी फ्लेवर है। तो अभी चावल बन गए हैं, स्टोव को मैंने बंद कर दिया है। अभी करते हैं चावलों को डिश आउट और फिर जो बारबेक्यू हमने बनाया था उसको अलाइन करते हैं। तो
चलिए प्लेटर को रेडी करते हैं। सबसे पहले आप नीचे चावलों की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, जिसमें मैंने लिया है काला मेवा, बादाम और काजू और साथ में अखरोट। तो इन सब की गार्निशिंग कर रहे हैं और साथ में मैं बाद में बारबेक्यू ऐड कर रही हूँ। आप लोग इस थाल को और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं विद अनियन, विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स जैसे टमाटर हो गया, तो इस तरह से आप लोग मज़ीद डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो बारबेक्यू प्लेटर हमारा प्रिपेयर हो गया है, अब इसकी सर्विंग करते हैं, टेबल पे सर्व करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपने टेबल की फाइनल लुक। सो गाइज आई होप यू लाइक टूडेज रेसिपी। रेसिपी बहुत ज़्यादा आसानी से मैंने आपको समझाई है, बनाना सिखाई है, आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर करें। अभी मैं इन्जॉय कर लूँ ज़रा अपना बारबेक्यू प्लेटर, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये थी मेरी आज की बारबेक्यू प्लेटर की रेसिपी, आप लोग इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू पीपल इन नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।